तहलका इंडिया न्यूज, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के तारानगर से आ रही है, जहां बड़नगर तहसील के ग्राम सुंदराबाद में तहसीलदार भाट पचलाना थाना प्रभारी की मौजूदगी में सुंदराबाद चौपाटी पर मौजूद अतिक्रमण पर हटाने की कार्रवाई तहसीलदार द्वारा की गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने तहसीलदार सुरेश नागर पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। साथ ही ग्रामीणों द्वारा चक्का जाम भी किया गया रतलाम बड़नगर मार्ग पर। इसके बाद भाटपछलाना पुलिस द्वारा ग्रामीणों को समझाइश के बाद चक्का जाम हटाया गया। साथ में ग्रामीण भी गरीब लोगों की दुकानें टूटने पर उनका समर्थन करते नजर आए, क्योंकि ग्रामीणों का कहना था कि 30 साल से लगभग चाय की दुकान चलाते हुए गरीब अपना जीवन यापन कर रहे थे। तहसीलदार की इस कार्रवाई से गरीबों का रोजगार छिन गया, जिसका विरोध ग्रामीणों द्वारा किया गया। इस संबंध में जब तहसीलदार सुरेश नागर से बात की गई तो उनका कहना था कि उक्त दुकानों के संबंध में अतिक्रमण की सूचना प्राप्त हो रही थी लगातार, और सीएम हेल्पलाइन पर भी इसकी शिकायत थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए आज अतिक्रमण हटाया गया है। पूर्व में सूचना संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध करा दी गई थी। तहलका इंडिया न्यूज। हमारे पर हमारा सब कुछ लूट गया, हमारे लोगों का लूट गया, अब तो कार्रवाई हो गया हमारे ऊपर, सब पूरे गांव के ऊपर पूरा गांव एक साथ एकजुट होकर। हैदराबाद में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है, किस प्रकार पूरा मामला रहा? अतिक्रमण की कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं, हटाने के लिए कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं। 400 के लगभग कथा हमने दर्ज किए हैं, लोगों को बेदखल भी दिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में वीरेंद्र और लोकेंद्र सुंदराबाद फंटे पे, जो कि उनके सीएम हेल्पलाइन भी हुई थी, लगातार अतिक्रमण की सूचना थी और पक्का निर्माण करके जो है शासकीय कीमती जमीन को जो है वो अतिक्रमण कर रहे थे। तो विधिवत विधि की प्रक्रिया का पालन करते हुए उनको सूचना पत्र शामिल करते हुए पुलिस की उपस्थिति में उन्होंने अतिक्रमण कर दिया। आपका वीरेंद्र सिंह पंड्या। क्या परेशानी है और किसको लेकर आज आप एसडीएम साहब के पास आए? सर, तहसीलदार साहब ने हमारी दुकान गिरा दी। हाँ, इसलिए। कहाँ रहते हैं आप? सुंदराबाद। क्यों गिरा दी तहसीलदार ने आपकी दुकान? बिगर नोटिस के गिरा दी साहब, बनाई थी हमने तो। कितने साल से रह रहे हो आप? 30 साल से काबिज है। जो दुकान है आपकी गिराई गई है, उसके अलावा आपका परिवार का पालन पोषण करने के लिए कोई व्यवस्था है या नहीं? नहीं है सर जी। तो ऐसे में आप शासन से क्या मांग कर रहा हूँ? दुकान बनाने की वापस मांग करवाते और पट्टा लेने की। एसडीएम साहब के पास आप क्यों आए थे और क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है। कहाँ के निवासी? सुंदराबाद का। क्या समस्या है? समस्या हमारी दुकान थी, वो तहसीलदार साहब ने गिरा दी हमारी दुकान, और हम 30 वर्षों से वहाँ पे चाय की घुमटी लगाकर काम कर रहे थे, और अचानक उन्होंने आके गिरा दी और हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। ये लोगों ने किया? उसका विरोध हमने नहीं किया, वो तत्काल में आके गिरा दी हमारी दुकान, हमको सूचना भी नहीं दी और गिरा दी हमारी दुकान। एसडीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं, उन्होंने अभी तो कुछ नहीं बोला कि कल मैं जो भी होगा बताऊंगा। जांच की जाएगी और कल बताएंगे। लगभग कितनी दुकान तोड़ी गई? दो दुकानें तोड़ी गई वहाँ पे, जो लगभग 30 साल से वहाँ पे थी। आपको पहले नोटिस दिया था? नहीं, पहले नहीं नोटिस दिया। किस तरीके से ग्राम सुंदराबाद में अतिक्रमण हटाया गया और क्या मामला है पूरा? अतिक्रमण तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि द्वेष्टापूर्ण कार्रवाई की गई। तहसीलदार सुरेश नागर जी ने आनन फानन में सूचना किए बिना जो लोग 30-30 वर्षों से जिन जगहों पर काबिज थे, आने जाने वाले राहगीरों की कोई पंचर सुधारता था, कोई चाय पिलाता था, लोगों की राहगीरों की सेवा करते थे, ऐसे निराश्रित लोगों के खिलाफ द्वेष्टापूर्ण कार्रवाई की गई है। मैं सुरेश नागर जी के खिलाफ माननीय एसडीएम महोदय को हमने शिकायत दर्ज की है। एसडीएम महोदय ने उस कार्रवाई की जांच के लिए हमको आश्वासित किया है और कहा है कि मैं जो कार्रवाई हुई है उसकी पूरी जांच करूंगा। ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है क्या? ग्रामीणों द्वारा एक जन आक्रोश वहाँ पर तैयार हुआ, पूरा चक्का जाम किया गया, ग्रामीणों में खूब जन आक्रोश है, क्योंकि जो शिवराज जी की सरकार है, जो शिवराज जी की नीति है कि जो गरीब वर्ग के का तबका है उनको शासन द्वारा पट्टा वितरण किया जा रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये शासकीय कर्मचारी
गरीब लोगों को परेशान करके द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करके उन पर अतिक्रमण हटाने का काम कर रहे हैं, जबकि भूमाफियाओं को अतिक्रमण हटाने का काम करना चाहिए, वो काम शायद तहसीलदार जी नहीं कर पा रहे हैं और गरीब लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमने कलेक्टर साहब को भी इसकी सूचना दी है और SDM साहब को हमने इसकी जानकारी से अवगत कराया। SDM साहब ने हमें आश्वासित किया है कि वो शाम तक इस पूरे मामले की जांच करके कल इस पर कोई भी निर्णय लेंगे।